सबसे पहली बात आपके जहन में होनी चाहिए कि जो भी लाइक कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा था होम्योस्टेसिस के हवाले से, को मीन्स जब भी कोई स्टिमुलस होता है उसको डिटेक्ट करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं, स्टिमुलस कहते हैं चेंज इन एनवायरनमेंट। तो जो चेंज इन एनवायरनमेंट आइदर इंटरनल हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, उसमें चेंजेस होती रहती हैं, उनमें चेंजेस होती रहती हैं। वो चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स का होना जरूरी है। रिसेप्टर्स इस पूरी होमियोस्टेसिस की मैकेनिज्म में डोर स्टेट पे होते हैं, यानी अगर स्टिमुलस है और हमारे अगर रिसेप्टर जो उसको जैसे डिटेक्ट ना करें और उसको आगे कंट्रोल सेंटर की तरफ ना भेजें, तो यानी स्टिमुलस तो एग्जिस्ट करेगा ना, वो तो मीन्स अब रिसेप्टर पे है कि जैसे रिसेप्टर उसको स्टिमुलस जो चेंज आई है उसको डिटेक्ट करें और इस डिटेक्ट को आगे जो है कंट्रोल सेंटर की तरफ आगे सेंसरी न्यूरॉन जो हो गए वो आगे इसको मैसेज लेके जाए। तो रिसेप्टर का काम होता है डोर स्टेप पे होता है कि कोई भी जैसे अगर चेंज या तब्दीली इन्वायरमेंट में आए तो उसको डिटेक्ट करना, ये रिसेप्टर का काम है। रिसीव लफ्ज से रिसेप्टर है, रिसेप्शन से ये रिसेप्टर लफ्ज आया कि यानी किसी चीज को रिसीव करना, रिसेप्शन करना, किस चीज को होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म में, स्मूथ फंक्शंस की मैकेनिज्म में रिसेप्टर का एक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चेंज जो आएगी उसको डिटेक्ट तो रिसेप्टर करेंगे, रेस्पॉन्ड नहीं देंगे, जस्ट उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और आगे जो से इंफॉर्मेशन जानी है कहाँ पे, कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर में फर्दर इसकी इंटीग्रेशन और एनालिसिस होती है, देन जो इफेक्टर्स की तरफ ये कमांड या ऑर्डर जाते हैं और इफेक्टर ऑर्गन्स होंगे वो ही रिस्पॉन्स देते हैं, जो आपने मेनी टाइम इस तरह की चीज़ों को पढ़ा है या देखा है। ठीक है, तो होमियोस्टेसिस की जो मैकेनिज्म है वो इस पैटर्न के तहत काम करती है, जिसमें रिसेप्टर्स का एक की और इम्पोर्टेंट रोल होता है। रिसेप्टर्स ही होते हैं जो डोर स्टेप पे होते हैं किसी भी, बिकॉज इन्वायरमेंट हमेशा एक जैसा नहीं होता है, इन्वायरमेंट में हमेशा चेंजेस आती रहती हैं, चाहे वो हमारी बॉडी फ्लूड्स हो या सराउंडिंग हो, उसमें जैसे चेंजेस आती रहेंगी। तो चेंजेस आती रहेंगी तो मीन्स उसको डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स का होना जरूरी है। तो हम एसटीबी के हवाले से सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे कि रिसेप्टर्स है क्या। रिसेप्टर्स के हवाले से सबसे पहले जैसे आप देखें रिसेप्टर है क्या। रिसेप्टर्स आर मॉडिफाइड न्यूरॉन, रिसेप्टर्स या तो मॉडिफाइड न्यूरॉन आर एपिथेलियल सेल्स विच अकर आइदर सिंगली या ग्रुप्स विद अदर सेल्स, जैसे आईज के अंदर जैसे फोटो रिसेप्टर्स है, आईज के अंदर फोटो रिसेप्टर्स हैं, बट उनके अलावा और भी आईज के अलावा अदर स्ट्रक्चर्स भी है जो लाइक फोटो रेफर्स टू लाइट, लाइट लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो बॉडी मस्ट डिटेक्ट व्हाट इज अकरिंग इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, जैसे हमारी बॉडी के अंदर काफी सारी इंटरनल चेंजेस हो रही होती है, उनको भी डिटेक्ट करने का काम भी रिसेप्टर का होगा। रिसेप्टर होंगे तो चेंजेस को डिटेक्ट करेंगे और मॉनिटर करके आगे कंट्रोल सेंटर की तरफ भेजना होता है उनको। तो इसी तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल यानी इनसाइड द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी चेंजेस होती रहती हैं, तो ये डिटेक्ट होनी चाहिए, मस्ट डिटेक्ट। डिटेक्ट कौन करेगा? जाहिर है रिसेप्टर्स करेंगे। परफॉर्म्ड बाय सेंसरी रिसेप्टर, और उसको जो कौन जो डिटेक्ट करेंगे ये सेंसरी रिसेप्टर्स ही होंगे। हियर वी विल डिस्कस द रिसेप्टर स्मेल टेस्ट टच एंड पेन। तो जैसे रिसेप्टर्स की फर्दर कैटेगरीज है जो लाइक आपके पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ये हेडिंग्स मौजूद है, कीमो रिसेप्टर्स जो स्मेल टेस्ट एंड फॉर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ऑक्सीजन ग्लूकोज अमाइनो एसिड फैटी एसिड्स, ये सारे कीमो रिसेप्टर्स की हेडिंग में आएंगे। ये आपको जो है पीटीबी का बुक है उसके अंदर ऐसे टाइप्स आपको मिलेंगे, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स दे डिटेक्ट स्टिमुलाई टू टच प्रेशर हियरिंग इक्विलिब्रियम। फोटो रिसेप्टर दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई ऑफ लाइट। थर्मो रिसेप्टर्स थर्मो रेफर्स टू जैसे टेम्परेचर, रिस्पॉन्स टू कोल्ड एंड वार्म्थ, कोल्ड और वार्म्थ। नोसी रिसेप्टर आपको पता है टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट करते हैं, इंजरीज को डिटेक्ट करते हैं। पेन रिसेप्टर्स जनरली सेंसेशन ऑफ पेन, दे प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ पेन, दैट इज कॉल्ड नोसिसेप्टर्स। ये पीटीबी के अंदर ऐसी हेडिंग्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये रिसेप्टर की जैसे डेफिनेशन हुई,
और उसके बाद ये पीटीबी के अंदर जो वेरियस टाइप के रिसेप्ट है सेम ऐसे एसटीबी बुक के अंदर भी मौजूद है। टाइप्स हैं, वर्ड से जाहिर है कि उसका क्या टाइप है, ठीक है। तो इसी तरह से फर्दर और भी हेडिंग जैसे जनरल डिस्कशन है, हम इस पे आते हैं कि रिसेप्टर का काम क्या होता है, क्या करते हैं। ऑल सेंसरी सिस्टम आर डिजाइन टू डिटेक्ट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड दे इंटरफेस बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स ऑफ द न्यूरॉन नॉर्मली कॉल्ड रिसेप्टर। तो कोई भी जिस तरह से बाहर की जो चेंज या तब्दीली होती है उसको डिटेक्ट करना एक रिसेप्टर का ही जैसे काम होता है। द प्रोसेस बाय विच वेरियस सेंसरी रिसेप्टर्स कन्वर्ट अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ नोन एज ट्रांसडक्शन, इसे ट्रांसडक्शन भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है तो आइज में रिसेप्टर्स हैं, वो आगे इमेज में कन्वर्ट होता है। साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं हमारे कानों के अंदर, जैसे यकीनन साउंड वेव्स को डिटेक्ट करने के रिसेप्टर्स हैं, वो इस साउंड वेव को एक्शन पोटेंशियल में जनरेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो रिसेप्टर का काम ही यही होगा, एक फॉर्म की जो एनर्जी है उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। कैसे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे साउंड वेव्स हैं एनर्जी का एक फॉर्म है, कानों के अंदर क्या मौजूद है, कानों के अंदर जैसे हियरिंग के लिए रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ये रिसेप्टर क्या करेंगे, देन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के बाद इसको कहाँ भेजेंगे, आगे कंट्रोल सेंटर है, हियरिंग का कंट्रोल सेंटर है, हियरिंग का जो सेंटर है जैसे हमने पढ़ा है ब्रेन के अंदर, तो वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं, इंटरप्रेट होती है ये इंफॉर्मेशन के लाइक किस तरह की इंफॉर्मेशन है, यानी साउंड वेव्स थी और उसको किस में कन्वर्ट किया गया, एक्शन पोटेंशियल में, किसने किया, रिसेप्टर ने किया। तो इस अमल को हम क्या कहेंगे, ट्रांसडक्शन कहेंगे, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये किसका काम हुआ, ये काम हुआ रिसेप्टर्स का। तो रिसेप्टर्स एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिस अमल को हम कहेंगे ट्रांसडक्शन कहेंगे। तो रिसेप्टर का रोल क्या हुआ, ट्रांसड्यूसर का हुआ, रिसेप्टर का रोल हुआ ट्रांसड्यूसर का। जैसे काफी ये टर्म मशीन्स में इस्तेमाल होता है, मशीन्स में इस्तेमाल होता है, डिवाइसेस में इस्तेमाल ये टर्म होता है, जैसे मोबाइल फोन की डिवाइस का हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन में यानी कोई पर्सन जैसे कॉल करता है तो यानी वेव्स के जरिए वो डिवाइस उसको डिटेक्ट करती है, और जैसे हम उस ओके या ऑन उसको करते हैं तो जाहिर है उस पर्सन का आवाज़ जो आता है, तो उस पर्सन का आवाज़ जो किसने कन्वर्ट किया इस डिवाइस ने, तो मैकेनिज्म ये भी एक ट्रांसडक्शन की मैकेनिज्म कहलाएगी। साउंड वेव्स जैसे कानों के अंदर ऑडिटरी और हियरिंग रिसेप्टर्स हैं, इन्होंने इसको क्या किया, इनको एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया, एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में जैसे कन्वर्ट किया, तो इस हम कहेंगे ट्रांसडक्शन। तो रिसेप्टर का रोल क्या हुआ, रिसेप्टर का रोल हुआ ट्रांसड्यूसर का, रिसेप्टर एक्ट एज अ ट्रांसड्यूसर, रिसेप्टर ट्रांसड्यूसर के तौर पे काम करते हैं। इन अदर वर्ड्स रिसेप्टर कन्वर्ट स्टिमुलाई इनटू इंपल्स, स्टिमुलाई को इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं। स्टिमुलाई वो कौन सा था, लाइक एक साउंड वेव थी, इंपल्स क्या था, दैट इज एक्शन पोटेंशियल। तो इसे हम कहेंगे कि रिसेप्टर का रोल होता है वो ट्रांसड्यूसर का होता है। स्टिमुलस टू सेंसरी रिसेप्टर रिजल्ट इन चेंज इन द सेल मेम्ब्रेन्स आयोनिक परमिएबिलिटी विच लीड्स टू जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। तो स्टिमुलस जो भी होगा टू सेंसरी, जैसे सेंसरी रिसेप्टर को मिलेगा उसके रिजल्ट में सेल मेम्ब्रेन की आयोनिक परमिएबिलिटी उसमें चेंज होगी, जो आगे जाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। जैसे हम कहते हैं ना साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स जैसे उस रिसेप्टर की मेम्ब्रेन को जैसे साउंड वेव्स मिलेंगी तो देन वो हियरिंग जैसे रिसेप्टर आगे उसमें एक्शन पोटेंशियल की सूरत में उस इंफॉर्मेशन या मैसेज या जो चेंज आई है स्टिमुलस उसको कन्वर्ट करेगा एक्शन पोटेंशियल में, और उसके जरिए वो मैसेज आगे जाएगा हियरिंग सेंटर में, हियरिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन। सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सेंसरी सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कॉल्ड एज सेंसरी ट्रांसडक्शन। जैसे देखें ना प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सेंसरी सिग्नल, जाहिर है जो एक हमने एग्जाम्पल लिया था साउंड का लिया, लाइट का हम ले सकते हैं, टच का ले सकते हैं, केमिकल्स का ले सकते हैं, ये सेंसरी सिग्नल है। इसको किस में कन्वर्ट किया है, इंटू एन केमिकल सिग्नल, इंटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज नोन एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या है, दैट इज एक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है एक्शन पोटेंशियल है, उसको उसमें कन्वर्ट किया एक्शन पोटेंशियल इज नोन एज सेंसरी ट्रांसडक्शन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल
ब्लड वेसल्स होते हैं, सर्टेन ब्लड वेसल्स हैं, जैसे एओर्टा है उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ये क्या है, केमिकल्स हैं। अगर कम या ज्यादा होते हैं तो यकीनन वहां पे रिसेप्टर मौजूद है, वो रिसेप्टर्स देन क्या करेंगे, इसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे, देन नर्व्स के जरिए वो मैसेज या कमांड कहाँ जाएगा, जैसे स्टूडेंट टाइप करेंगे कौन से ब्रेन के पार्ट में ये कमांड या ऑर्डर जाएंगे। यासिन साहब, रिहान साहब, मेड्यूला, एग्जैक्टली यू आर राइट, एग्जैक्टली। तो मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा जो है इसी तरह का जो सेंटर है, तो यकीनन सारी इंफॉर्मेशन वो मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा में जाएगी, नर्व्स के जरिए जाएगी। तो वहां पे नर्व्स के जरिए इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, एक्शन पोटेंशियल की सूरत में। वहां क्या था, यानी ब्लड की कंपोजिशन में जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, उसमें चेंज थी, उस चेंज को रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद इसी मैसेज को उन्होंने जैसे एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया, और वो मैसेज कहाँ गया, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा में गया, रिपोर्ट दी उसको मॉनिटर जो इस चीजों को, कंसंट्रेशन को मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा करता है। तो जाहिर है अब ये मैसेज किस में गया होगा, एक्शन पोटेंशियल की सूरत में गया होगा। तो यानी यही बात है कि जनरेशन ऑफ एक्शन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सेंसरी सिग्नल, तो वो एक सेंसरी सिग्नल था, इसको किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सेंसरी ट्रांसडक्शन कहेंगे। तो हमने साउंड का भी एग्जाम्पल लिया जैसे कानों के हवाले से, इसी तरह से हमने केमिकल्स का भी एग्जाम्पल लिया, किस तरह से रिसेप्टर्स ये वर्क करते हैं। रिसेप्टर की वर्किंग का तरीका ये होता है कि कोई भी जैसे स्टिमुलाई होता है, स्टिमुलाई की एक जैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी, उसको सेंसरी सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेंसरी ट्रांसडक्शन। और इसी वजह से रिसेप्टर्स आर जनरली कॉल्ड एज, जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया है, हमने रिसेप्टर्स आर जनरली कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसडक्शन, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो रिसेप्टर का काम यही होगा। तो जैसे मींस फॉर एग्जांपल हमने नोट किया था ना कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, तो ब्रेन को कैसे पता चलेगा, पता तो चलेगा नर्व्स के जरिए, वो मैसेज किस तरह से आएगा, मैसेज एक्शन पोटेंशियल की सूरत में आएगा, जो भी एक्शन पोटेंशियल की सूरत में मैसेज आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिसेप्टर्स ट्रांसड्यूसर के तौर पे काम करते हैं। वेरियस टाइप के जो रिसेप्टर्स हैं, जैसे हम स्किन में भी रिसेप्टर्स होंगे उनको जैसे हम डिस्कस करेंगे, जैसे ये हमारी लाइक स्किन है, उसका आउटर पार्ट दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस है, उसके बाद ये डर्मिस है। तो एपिडर्मिस से जैसे ये सेंस ऑर्गन इन द स्किन हिडिंग है, तो उसमें काफी सारे जैसे एक थर्मो रिसेप्टर्स हैं, जैसे स्किन को कोई भी जैसे सेंस करते हैं हीट और कोल्ड होती है, तो ये थर्मो रिसेप्टर्स इसको डिटेक्ट करेंगे। एक है मेसनर्स कार्पसल सेंस, टच, स्पेशली जो टच सेंसेशन है उससे इनका रिलेशनशिप होता है, क्वाइल्ड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेसनर्स कार्पसल्स। इसी तरह से पेसिनियन कार्पसल है, दे सेंस द प्रेशर, डर्मिस के अंदर खास तौर पे ये कंसेंट्रिक रिंग्स की सूरत में होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पेसिनियन कार्पसल। नोसीसेप्टर है, सेंस पेन, तो ये नोसीसेप्टर्स हैं जो पेन की सेंसेशन करते हैं, पेन पेन की सेंसेशन उसको डिटेक्ट करते हैं। बहरहाल वेरियस टाइप के रिसेप्टर्स हैं, आगे हम डिस्कस करते जाएंगे। और इसी तरह से रिसेप्टर्स के हवाले से जो दो मेन कैटेगरीज हैं, जो एक रिसेप्टर ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि जैसे फ्री नर्व एंडिंग, जैसे ये देखिए नर्व एंडिंग है, ये नर्व एंडिंग जो है रिसेप्टर्स की फ्री है, इनके बाहर कोई भी कैप्सूल वगैरह नहीं है, इनको हम कहते हैं फ्री नर्व एंडिंग वाले रिसेप्टर। दूसरे एक ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनमें जिनके बाहर कोई ना कोई कोलेजन फाइबर का कैप्सूल होता है, तो इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं कैप्सुलेटेड रिसेप्टर। जैसे देखें दोबारा, जैसे ये रिसेप्टर्स हैं, इनकी जो नर्व एंडिंग है फ्री है, इसके बाहर कोई भी कवर लेयर या कैप्सूल नहीं है, तो ये नॉन कैप्सुलेटेड है या फ्री नर्व एंडिंग वाले रिसेप्टर्स हैं। और दूसरे एक ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिनके बाहर जो कवरिंग है, तो इन्हें हम कहते हैं इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स। जैसे मेसनर्स कार्पसल एंड पेसिनियन कार्पसल आपने पढ़ा होगा,
ये दोनों जो हैं कैप्सुलेटेड इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स हैं जिनके बाहर भी कवरेज है। जैसे ये देखें कंसेंट्रिक रिंग्स की सूरत में, कंसेंट्रिक रिंग्स की सूरत में, ठीक है। तो ये बहरहाल ये आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये स्ट्रॉन्ग प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, हेयर मूवमेंट को भी डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स, और इसी तरह से जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन कैरी करके फिर नर्व्स के जरिए जाती है, नर्व के जरिए जो यकीन नर्व के जरिए जाएगी कंट्रोल सेंटर तक की जाएगी। जैसे अभी हमने नोट किया था कि अगर केमिकल्स की भी जैसे कम या ज्यादा जो कंसंट्रेशन होती है तो उसका भी लाइक जो जैसे हम कहें कि जो स्टिमुलस होगा चेंज होगी या इन्फॉर्मेशन होगी वो नर्व्स के जरिए न्यूरॉन के जरिए जाके कंट्रोल सेंटर तक जाएगी। तो इसी तरह से रिसेप्टर्स एक तरफ से जैसे स्टिमुलाई स्टिमुलस को डिटेक्ट करके देन नर्व्स के जरिए जो है नर्व्स के जरिए आगे वो यही इंफॉर्मेशन लेके कंट्रोल सेंटर की तरफ लेके जाते हैं। बस कंट्रोल सेंटर ऐसे उनको फौरन क्विक रिस्पॉन्ड देना का काम रिसेप्टर का नहीं होता, रिसेप्टर का काम होता है जस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, गैदर करना कि क्या चेंज हुई है, ठीक है। इसी तरह से वेरियस टाइप के रिसेप्टर्स हैं और वेरियस टाइप के रिसेप्टर्स हैं। स्किन के हवाले से ये थे, स्किन ये स्किन का एक सेक्शन है। जैसे कोल्ड के स्किन के अंदर कोल्ड के भी रिसेप्टर हैं, पेन के भी रिसेप्टर्स हैं, लाइट टच है तब भी उसके रिसेप्टर्स हैं, इसी तरह से स्ट्रांग प्रेशर है उसके लिए भी रिसेप्टर्स हैं, बहरहाल हीट के लिए भी रिसेप्टर्स हैं। आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, और ये डर्मिस का जो लेयर होता है जैसे आपको बताया स्किन के हवाले से, तो आउटर पार्ट जो एपिडर्मिस कहते हैं और ये डर्मिस लेयर, एपिडर्मिस के अंदर जैसे ये फ्री नर्व एंडिंग वाले रिसेप्टर्स काफी सारे होते हैं, फ्री नर्व एंडिंग जिनके बाहर कोई भी कैप्सूल नहीं होता है, ये इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर है, ये सारे इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स हैं। दो मेन हेडिंग्स आते हैं। तो उसके बाद जैसे एक और जैसे थोड़ी सी रिसेप्टर्स की थोड़ी कैटेगरी है, हमारे एनटीबी बुक के अंदर मर्कल्स डिस्क है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मर्कल्स रूफिनाई एंडिंग ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पेसिनियन कार्पसल है डिस्कस करेंगे, मेजिनर्स कार्पसल को भी डिस्कस करेंगे। मर्कल्स डिस्क जो है एनटीबी की हेडिंग है उसमें मौजूद है, ठीक है। तो जैसे स्किन के हवाले से जस्ट एक जैसे हैवी प्रेशर भी होता है उसको भी डिटेक्ट करते हैं, वाइब्रेशन जो होती है उसको भी ये डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर, लाइट टच को भी, स्किन स्ट्रेच होती है, तो यानी हर चीज के जैसे रिसेप्टर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं कि कोई भी अगर चेंज या तब्दीली हो तो उसको रिसेप्टर्स जो है उसको डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। बहरहाल ये इस तरह से सारी चीजें हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट आते हैं एक लाइक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर एक है सेंसरी मोडलिटीज, एक हेडिंग है सेंसरी मोडलिटी, आई थिंक मैं आपको पेज नंबर बताऊं, सेंसरी मोडलिटी है। तो वो टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए शायद नया है कि सेंसरी मोडलिटी क्या है, ठीक है। सेंसरी मोडलिटी तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 58 पे जैसे सेंसरी मोडलिटी की हेडिंग है, 58 पेज है, इस पे आप जरा देखेंगे सेंसरी मोडलिटी। इसमें हम आते हैं कि सेंसरी मोडलिटी क्या होती है। सेंसरी मोडलिटी, सेंसरी मोडलिटीज कैन बी थॉट ऑफ एज अ सब टाइप ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस। सेंसरी एक्सपीरियंस सच एज पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, जो एक्सपीरियंस है जाहिर जो सेंस जैसे स्किन को टच होता है तो ये एक टच सेंसेशन है कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया टच का किया, या कोल्ड या वार्म्थ उसको जैसे इस सेंसेशन को एक्सपीरियंस किया, तो ये एक तरह के एक्सपीरियंस होते हैं जिसे सेंसरी एक्सपीरियंस कहेंगे। लाइक पेन है, टेम्परेचर है, प्रेशर, ईच मोडलिटी इज परसीव्ड बाय क्लास ऑफ सब स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर। जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जैसे प्रेशर जो होता है स्किन का उसको भी डिटेक्ट करने के अलग रिसेप्टर्स हैं, लाइट टच है या हैवी प्रेशर है, या इसी तरह से कोल्ड या वार्म्थ है तो स्किन है, बट उसके अंदर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स मौजूद हैं। इन सेंसरी मोडलिटी इज परसीव्ड बाय क्लास ऑफ सब स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स नॉर्मली रिस्पॉन्ड टू ओनली वन टाइप ऑफ स्टिमुलाई, जिसे हम कहेंगे वन टाइप ऑफ स्टिमुलाई या सेंसरी मोडलिटी कहेंगे। जैसे अभी हमने डिस्कस किया स्किन के अंदर जैसे अगर
टेम्परेचर कोल्ड या वार्म को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर उनका एक ही काम होगा, टच को जैसे डिटेक्ट करने वाला उनका एक ही काम होगा, टिश्यू डैमेज के रिसेप्टर्स हैं ओनली एंड ओनली स्किन के अंदर टिश्यू डैमेज के रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं, नोसीसेप्टर पेन रिसेप्टर मौजूद है, वो जस्ट पेन को डिटेक्ट करेंगे। इसी तरह से इसमें जो स्किन के अंदर लाइट को डिटेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर नहीं है, कानों में सिर्फ और सिर्फ जैसे हम कहते हैं कि साउंड वेव्स को डिटेक्ट करने के रिसेप्टर हैं, आंखों के अंदर जैसे फोटो रिसेप्टर्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए चीजें, तो यानी जो रिसेप्टर होगा तो उसके अंदर कोई भी एक तरह का जो से कोई भी स्टिमुलस होगा उसको डिटेक्ट करेंगे, यही बात है। नॉर्मल रिसेप्टर्स नॉर्मली रिस्पॉन्ड ओनली वन टाइप ऑफ स्टिमुलाई आर सेंसरी मोडलिटी एंड दैट टाइप ऑफ सेंसरी मोडलिटी इज कॉल्ड एडिक्यूट स्टिमुलस फॉर आईज इज द फोटो रिसेप्टर इज लाइट, आईज के लिए लाइट है, टच नहीं है, आईज के लिए टच नहीं है, आईज के लिए जो सेंसरी मोडलिटी हम कहेंगे सेंसरी मोडलिटी कहेंगे आईज के लिए वो फोटो रिसेप्टर लाइट को डिटेक्ट करेंगे और उसको टच सेंसेशन से कोई ताल्लुक नहीं आईज का। तो हर एक रिसेप्टर होगा उसका एक यूनिक खास मकसद होता है, उसी को जैसे वो डिटेक्ट करते हैं। सो ऑल मोडलिटी हैव डिफरेंट क्वालिटीज दैट कैन बी फेल्ट, ऑल मोडलिटीज हैव डिफरेंट क्वालिटीज दैट कैन बी फेल्ट, फॉर एग्जाम्पल पेन कैन बी शार्प आर आर्किंग, द टेम्परेचर कैन बी हॉट आर वार्म आर कोल्ड, जो कुछ भी होगा। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया है ना कि हर एक रिसेप्टर होता है उसका एक खास काम होता है सेंस करना उसको, जैसे अभी हमने नोट किया कि आइस वो तो लाइट रिसेप्टर्स उनमें होते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं, उनको टच से कोई ताल्लुक नहीं है या साउंड से कोई ताल्लुक नहीं है। स्किन के अंदर हमने देखा कि कई रिसेप्टर्स हैं जो टच रिसेप्टर है वो टच को डिटेक्ट करेंगे, जो कोल्ड वार्म्थ हॉटनेस जो भी है उसको डिटेक्ट करने वाले उसी के रिसेप्टर होंगे, ओनली वन टाइप को ही होंगे। द क्वालिटी फेल्ट डिपेंड्स अपॉन द सब टाइप ऑफ एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स वेयर एज इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। तो जैसे स्किन है इस पे हम अगर हल्का टच करें इस पे ज्यादा प्रेशर दें और टिश्यू डैमेज हो तो हर एक जो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि ये कितनी इंटेंसिटी है, तो उस पे जो है स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस उस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी जो है डिपेंड्स अपन स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस पे। अदरवाइज क्या है जैसे अभी हमने नोट किया ना एक लफ्ज इस्तेमाल किया एडिक्वेट स्टिमुलस, एडिक्वेट स्टिमुलस यहाँ पे होगा सेंसरी एक्सपीरियंस सच एज अ पेन टेम्परेचर प्रेशर, ईच सेंसरी मोडलिटी इज परसीव्ड बाय क्लास ऑफ सब स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स नॉर्मली रिस्पॉन्ड टू ओनली वन टाइप ऑफ स्टिमुलस दैट इज कॉल्ड सेंसरी मोडलिटी एंड दैट टाइप ऑफ सेंसरी मोडलिटी इज कॉल्ड सेंसरी मोडलिटी इज कॉल्ड एडिक्वेट स्टिमुलस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब एक है रिसेप्टर की रिसेप्टर का टाइप है और दूसरा एडिक्वेट स्टिमुलस है, रिसेप्टर का टाइप और एडिक्वेट स्टिमुलस है। जैसे रिसेप्टर का टाइप है मैकेनो रिसेप्टर तो ये मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को डिटेक्ट करेंगे, थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर चेंजेस में जो चेंजेस आएगी उसको डिटेक्ट करेंगे, नोसीसेप्टर पेन को डिटेक्ट करते हैं, केमो रिसेप्टर्स केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, फोटो रिसेप्टर्स लाइट को डिटेक्ट करेंगे। तो इसे हम कहते हैं सेंसरी मोडिलिटी, यानी क्या चीज जैसे वो फील हो रही है, क्या चीज रिसेप्टर ने महसूस की है, तो इसे हम कहेंगे सेंसरी मोडिलिटी। सेंसरी मोडिलिटी कैन बी थॉट एज सब टाइप ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस सच एज पेन टेम्परेचर प्रेशर और ईच सेंसरी मोडलिटी इज परसीव्ड बाय क्लास ऑफ सब स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर, यानी ऐसे नहीं है कि लाइक हमारे हाथ के अंदर हर किस्म के जो रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर टाइप के जैसे रिसेप्टर्स ही होंगे। रिसेप्टर्स नॉर्मली रिस्पॉन्ड ओनली वन टाइप ऑफ स्टिमुलस, एक ही किस्म के स्टिमुलस को जो है रिस्पॉन्ड देते हैं और सेंसरी मोडलिटी एंड दैट टाइप ऑफ सेंसरी मोडलिटी इज कॉल्ड एज एडिक्वेट स्टिमुलस। तो ये एडिक्वेट स्टिमुलस हैं जैसे मैकेनो रिसेप्टर्स मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट है, थर्मो रिसेप्टर्स टेम्परेचर चेंज है, नोसीसेप्टर पेन है, कीमो रिसेप्टर केमिकल और लाइट। होपफुली आपने इस सेंसरी मोडलिटी को थोड़ा सा यकीनन आपने समझ लिया होगा सेंसरी मोडलिटी, और जो लाइक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर जो सेंसरी मोडलिटी की जो हेडिंग है उसमें यही सेम चीजें जो बुक की है, ईच टाइप टाइप ऑफ प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन दैट वी
experience, pain, touch, sight, sound, and so forth are called modalities of the sensation. यही पहली point के अंदर थोड़ी देर पहले हमने discuss किया था, sensory experience, sensory experience. Yet despite the fact that we experience these different modalities of sensation, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर थोड़ी देर पहले हमने लाइक जो सेंसरी मोडलिटीज के हवाले से डिस्कस किया था कि ईच टाइप, ये पीटीबी का पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का सेक्शन है, वो उसी का बुक का ही सेक्शन है. प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन दैट वी एक्सपीरियंस, जिसे हम कहते हैं जैसे सेंसरी एक्सपीरियंस. थोड़ी देर पहले हमने सेंसरी एक्सपीरियंस के बारे में जो डिस्कस किया था कि लाइक पेन है, टच है, साइट है, साउंड and are called as modality of sensation. Yet despite the fact that we experience these different modalities of sensation, nerve fibers transmit only impulse. Yani jo receptors hote hain unme sirf ek hi kism ki jaise stimulus ko detect karne ki salahiyat hoti hai. Aise nahi hai ki sare har kism ki jo changes hain wo ek jagah pe wo detect ho jaye, is tarah se nahi hai. एक कोई पर्टिकुलर जैसे आर्गन या स्ट्रक्चर होती है उसमें खास किस्म के स्टिमुलस को डिटेक्ट करने की एबिलिटी होती है. हाउ इज दैट डिफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट डिफरेंट मोडलिटीज ऑफ द सेंसेशन. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इसके जो दो जवाब है कि यानी जैसे आप देखें हमने हैंड का एग्जाम्पल या स्किन का एग्जाम्पल लिया था. स्किन के एग्जाम्पल के अंदर जैसे यही क्वेश्चन है कि how is that different nerve fiber transmit different modality of sensation. So skin hai, skin ke andar kitne jo receptors maujood hain, touch hai, pressure hai, pain hai, in sab tissue damage ke sare receptors jo isme maujood hain, cold, warm, sab ke receptors maujood hain. To ye kis tarah se hota hai ki yani how is that nerve fiber transmit different modalities of the sensation. So, uska ek jawab hai ki each nerve terminates in a specific point in the CNS and that type of sensation is determined the point of the nervous system to which the fiber leads. Jaise dekhe for example skin ke andar jaise cold and jaise ya warmth ka jo detect karne ke liye yakeenan jo isme receptors maujood hai unme se jo aage nerve, हमने एक इलस्ट्रेशन भी देखी, वो नर्व निकलेगी और वो आके कमांड या आर्डर कहाँ जाके देगी जो इन चीजों को रेगुलेट करते हैं या इनका जो कंट्रोल सेंटर होता है उन कंट्रोल सेंटर तक जो वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं. जैसे हमने पढ़ा है ब्रेन के अंदर जैसे काफी सारी चीजें जैसे एक सेंसरी इंफॉर्मेशन लेग, ट्रंक, आर्म, हैंड, फेस या मोटर जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए भी अलग अलग सेंटर है. एसोसिएशन एरिया अलग है, स्मेल का अलग है, विजन का अलग है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ये तो सेरिबेलम का है, बट हियरिंग के सेंटर जो अलग है. तो इसी तरह से आपने देखा कि हर एक दिन जो एक तरह से जो जो भी स्टिमुलस आएगा उसको रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे, देन एक नर्व होगी वो लेके मैसेज एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ द ब्रेन वहां पे कंट्रोलिंग सेंटर में ली जाएगी. एक तो जवाब यह है. सो टच स्टिमुलस इज कैरिड बाय द नर्व इम्पल्स इन द टच एरिया ऑफ द ब्रेन. तो टच एरिया ऑफ द ब्रेन उसमें लेके जाएंगे. इसी तरह से जो फोटो रिसेप्शन यानी लाइट की जो है वो जाहिर है वीएन का सेंटर होगा, वो नर्व आके यहाँ पे ले जाएगी. इसी तरह से सिमिलरली फाइबर्स फ्रॉम द आईज टर्मिनेट इन द विजुअल कार्टेक्स ऑफ द ब्रेन, वो यानी विजुअल कार्टेक्स ऑफ द ब्रेन उसमें जाएंगे. जितनी हर किस्म की जो इंफॉर्मेशन होगी आगे उसका एक सेंटर होगा उसको जाके भी. और एक ही वक्त पे हमारी बॉडी, अमेजिंग बॉडी, एक ही वक्त पे डिफरेंट टाइप के जो स्टिमुलाई होते हैं वो सब जैसे हम डिटेक्ट करें. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अगर रोड साइड पे गाड़ी भी जा रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो आपको पता है कि जैसे एक तो हमारी आंखें खुली है, जैसे हम देखते हैं लाइट जो है उसको फोटो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं वो भी देखते हैं. इसी तरह से कान भी जैसे आवाजें सुन रहे हैं तो ये भी है, और हमारे हाथ जैसे गाड़ी पे जैसे यकीनन जो हम हैंडल कर रहे होते हैं तो या अंदर गाड़ी के अंदर चीजों को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं,
उस गाड़ी की जैसे वार्म है, कोल्ड है, उसको भी जैसे डिटेक्ट कर रहे होते हैं, तो आप देखिए कितने एक ही वक्त पे जो है जैसे रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं, और वो सबकी इंफॉर्मेशन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स तक जा रही है, और हम सब चीजें नॉर्मली उसको फील कर रहे हैं या रेगुलेट कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये है कि हर किस्म के रिसेप्टर अलग है, रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर अलग हैं, और उनका मैकेनिज्म अलग है, नर्व अलग होगी, अलग जाके ब्रेन के अंदर कोई सेंटर होगा जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन देंगी। तो ये उस इस वजह से हो गया। एक दूसरा रीजन, मोर ओवर ईच रिसेप्टर ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड टू रिसीव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस, दिस इज कैरेड टू द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन। तो आपने देखा कि जैसे हमने ब्लड वेसल, जैसे एओर्टा के अंदर आपने देखा कि वहां पे केमिकल चेंजेस आती है, जो केमिकल्स में चेंजेस आती है उनको ही डिटेक्ट करने की एबिलिटी है। कानों के अंदर जैसे साउंड वेव्स को डिटेक्ट करने की एबिलिटी है। आइस के अंदर फोटो रिसेप्टर्स है, वो सिर्फ लाइट उसका स्टिमुलस होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। तो हर रिसेप्टर ऑर्गन जो होता है उसका एक खास काम होता है। देन आगे ब्रेन के अंदर इन सारे लाइक स्टिमुलाई के जो है यकीनन जो है उनमें सेंटर मौजूद है, वहां तक ये इंफॉर्मेशन जाएगी, वहां तक एक ही वक्त पे सारी इंफॉर्मेशन की इंटीग्रेशन होती रहती है। तो इस तरह से हमें लाइक इसमें अमेजिंग बॉडी की वजह से, मैकेनिज्म की वजह से कोई इशू नहीं है कि एक ही वक्त पे इतने डिफरेंट सेंसेशन कैसे डिटेक्ट करते हैं और उनकी इंटीग्रेशन कैसे होती है और हम कैसे रेस्पॉन्ड देते हैं। तो ये पॉइंट्स हमारे इस पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर जैसे डिस्कस किया गया है, जिसका जवाब यही है कि यानी हर एक रिसेप्टर अलग स्पेशलाइज्ड होता है, अलग किस्म की सेंसेशन को डिटेक्ट करते हैं, चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, और ब्रेन के अंदर हर वो अलग अलग नर्व के जरिए जाएगी, और ब्रेन के अंदर भी इन्हीं सारे के जो जितने भी स्टिमुलाई उनके सेंटर भी अलग है। इस वजह से कोई भी इशू नहीं होता या कि इस तरह से क्यों एक जैसे सारे रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं और सारे ब्रेन के एरियाज भी काम कर, बिकॉज ये आपने देखा होगा तो ब्रेन के अंदर हर एक का एक पार्ट है। कोई भी किसी भी तरह की अगर इंफॉर्मेशन आती है तो उसको इंटीग्रेशन एनालिसिस के लिए सेंटर है। तो अगेन एक और डेफिनेशन छोटी है, सेंस स्टिमुलस मोडुलिटी, व्हाट इज परसीव्ड आफ्टर स्टिमुलस। जैसे द टेम्परेचर मोडुलिटी इज रजिस्टर्ड आफ्टर हीट और कोल्ड स्टिमुलस। जैसे अगर कोल्ड और हीट का जैसे हमें कोई स्टिमुलस मिला है, हमने जैसे क्या उसमें हमें महसूस हुआ, दैट इज व्हाट इज परसीव्ड आफ्टर स्टिमुलस है, यानी स्टिमुलस मिलने के सेंसरी एक्सपीरियंस, जिसे आप कहते हैं सेंसरी एक्सपीरियंस, वो दैट इज कॉल्ड एज सेंस स्टिमुलस मोडुलिटी। सम सेंसरी मोडुलिटीज इंक्लूड लाइट, साउंड, टेम्परेचर, टेस्ट, प्रेशर, ये सारे जो है सेंसरी मोडुलिटी है। और सेंसरी मोडुलिटी के हवाले से हमने एक चार्ट देखा था कि हर एक उस सेंसरी मोडुलिटी को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स है, अलग अलग रिसेप्टर है। तो हेडिंग थी सेंसरी मोडुलिटी, जिसके बारे में हमने पीटीबी बुक रेफरेंस लिया, और उसमें जैसे एक क्वेश्चन था उसके दो पॉसिबल जवाब हैं जो हमने जिनको डिस्कस किया। ठीक है, होपफुली आपने ये पीटीबी का टॉपिक लर्न कर लिया होगा। अब उसके बाद एसटीबी की जो जनरल डेफिनेशन है एसटीबी बुक की, आज बुक थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्ले किया, उसका रीजन ये है कि मे भी आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास एसटीबी बुक ना हो। तो एसटीबी बुक का एक रिसेप्टर हेडिंग है, रिसेप्टर की सबसे पहले डेफिनेशन है, रिसेप्टर्स आर आइदर मॉडिफाइड न्यूरॉन आर एपिथेलियल सेल्स विच अकर इन सिंगली आर इन ग्रुप्स विद अदर टाइप ऑफ सेल्स, जैसे लाइक इन आइज। रिसेप्टर्स आर द कंसिडर्ड एज अ रिसेप्शनिस्ट एट द फ्रंट डोर ऑफ द नर्वस सिस्टम। कैसे, जैसे आपको पता है कि कोई भी स्टिमुलस, जैसे होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म होती है, उसमें सबसे पहले जो स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स का होना जरूरी है, स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स का होना जरूरी होता है। तो रिसेप्टर्स हमेशा रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम करेंगे एट द फ्रंट डोर ऑफ द नर्वस सिस्टम विच आर स्पेशलाइज्ड टू रिसीव स्टिमुलाई आइदर फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। रिसेप्टर का काम ही यही होता है स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, वो स्टिमुलस आइदर इंटरनल भी हो सकता है या एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, सो सिंस ऑल द स्टिमुलाई रिप्रेजेंट सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो रिसेप्टर एक्ट लाइक ट्रांसड्यूसर। ट्रांसडक्शन की मैकेनिज्म हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के अमल को हम कहते हैं सेंसरी ट्रांसडक्शन। तो रिसेप्टर का जो टर्म रिसेप्टर के लिए अब यूज होगा वो होगा ट्रांसड्यूसर का, क्योंकि ये काम कौन करता है, रिसेप्टर करता है। तो रिसेप्टर को हम क्या कहेंगे, ट्रांसड्यूसर कहेंगे। रिसेप्टर्स आर कॉल्ड ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट इट्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इम्पल्स। जैसे हमने नोट किया था जैसे साउंड वेव्स हैं वो आगे किस में कन्वर्ट होंगे,
साउंड वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू एक्शन पोटेंशियल, वो सारे एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होंगे. द स्टेज ऑफ अवेयरनेस ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड सेंसेशन. जैसे एक जैसे गाड़ी के अंदर, जैसे हम एग्जांपल गाड़ी का लिया, तो गाड़ी के अंदर जैसे अगर कोई उसके पार्ट्स में जैसे अचानक कोई चेंज या तब्दीली आती है, जो आम लोग बैठे होते हैं उनके लिए जैसे ये आवाज़ है तो उसे हम कहेंगे सेंसेशन, हाँ थोड़ा आवाज़ चेंज हुआ है. बट जो ड्राइवर्स होते हैं उनको पता है कि ये आवाज़ किसका है, ये आवाज़ किस तरह का है, आइदर जो है इंजन में कोई मसला हुआ है, फैन में मसला हुआ है, या किसी टायर में से कोई आवाज आया था, क्या आया था, तो वो उसे हम कहेंगे परसेप्शन कहेंगे. एक होती है सेंसेशन, जाहिर सा जिन लोगों के पास जो सेंसरी ऑर्गन है उनके पास, लाइक जैसे कार मौजूद थे तो आवाज़ तो आया, बट किस चीज़ का है, क्या उस आवाज़ का मतलब है, मीनिंग क्या है, तो ये मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन जो होती है उसे हम कहते हैं परसेप्शन कहते हैं. इन द कंट्रोल सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम द इम्पल्स आर कन्वर्टेड इंटू परसेप्शन. एक तो लफ्ज़ हुआ सेंसेशन और दूसरा लफ्ज़ हुआ परसेप्शन. सेंसेशन जो आवाज़ कानों तक आया, वही आवाज़ कंट्रोल सेंटर में गया, इंटीग्रेशन हुई कि भाई ये आवाज़ किसका है, किस चीज़ का है, तो उसे हम कहेंगे, फिर वो उसमें किसी पॉइंट पे पहुंच जाए तो दैट इज कॉल्ड एज, उसे हम कहेंगे परसेप्शन. तो ये फर्क होता है सेंसेशन और परसेप्शन से. जैसे गाड़ियों की आवाज़ या शोर जो यकीनन घरों के इर्द गिर्द रोड साइड जो होते हैं, डिफरेंट गाड़ियाँ ट्रैफिक तो उनका शोर होता है, तो हमें पता चल सकता है आवाज़ कानों तक आई कि हाँ ये बाइक की आवाज़ है, हमें पता चल सकता है कि ये कार की आवाज़ है, हमें पता चल सकता है कि ये ट्रॉलर की आवाज़ है. तो इस तरह की जो उसे हम कहेंगे ये परसेप्शन है. कानों तक आवाज़ आना दैट इज द सेंसेशन, और उसकी जो मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन हो ब्रेन के अंदर तो उसे हम कहते हैं परसेप्शन कहते हैं. तो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर वही सेम है जो हमने एसटीबी के अंदर पढ़ा है. कल हम आगे जैसे वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर स्किन का रेफरेंस लेके स्किन के अंदर कौन से रिसेप्टर्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे. जैसे स्पाइनल कार्ड सिलेबस जीटी की होगी उसमें सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, नहीं है स्पाइनल कार्ड नहीं है. और इसी तरह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये जो ईएनएस था वो भी नहीं है, रिसेप्टर भी नहीं है, ये नेक्स्ट जीटी होगी उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे. फिजिक्स की क्लास होगी, सी यू देन.